एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार के जेजे मार्ग में एक 5 मंजिला इमारत आज सुबह 8:30 बजे गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल था शुरुआत में, अब बड़ी संख्या में वहां पर राहत और बचाव कर्मी मौजूद हैं। लगातार लोगों को निकालने का काम जारी है। एक शख्स की मौत की खबर आई है मलबे में से, जिसे निकाला गया। 50 साल का एक शख्स जिसकी अस्पताल में मौत हो गई, और इसके अलावा 7 और लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 5 मंजिला एक इमारत जो अचानक भरभरा कर गिर गई सुबह 8:30 बजे। फायर ब्रिगेड को जो कॉल गई वो लेवल 3 की, यानी कि हादसे को काफी गंभीर बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर राहत और बचाव कर्मी लगातार मौजूद है। जेसीबी मशीन लाई गई है, क्रेन के माध्यम से लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है। 25 से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है इस मलबे के भीतर। हालांकि क्योंकि सुबह का वक्त था, 8:30 बजे जब लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, हो सकता है अंदर फंसे हुए लोगों का आंकड़ा ज्यादा हो। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने ग्रीन कॉरिडोर दिए जाने की अपील की है, और इस वक्त मुंबई फायर ब्रिगेड MFD के कर्मचारियों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो लगातार मौजूद हैं यहां पर राहत और बचाव कार्य में, MFD मुंबई फायर ब्रिगेड, और इनके साथ कई जगहों पर स्थानीय लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर राहत बचाव काम को आगे बढ़ाने की। संकरी गलियां हैं जो इस तरफ जाती हैं, और इस वजह से क्रेन या बड़ी गाड़ी जेसीबी को यहां तक लेकर आना आसान नहीं है। और चश्मदीद भी लगातार अपनी बात बता रहे हैं। एक चश्मदीद का क्या कहना है इस पूरी घटना पर, सुनिए। मेरा नाम इमरान भिड़कर। कितना बजे आपने देखा है सब? और यहाँ बराबर 8:24 जो है, जो अपना जो धुआं जो निकल रहा है इसमें, वो उसका कैटेस वाले लोग का जो टोकल सूट है ना, टोकल हाँ टोकल सूट वाले गोडाउन इधर मिठाई बनती है इधर, तो वो भी सब कैटेस वाले जो भटियारे वगैरह रहते ना, तो वही सब आदमी अंदर सब दबे अंदर। कितने बजे का हुआ है सब? 8:24 पे हुआ ये। 8:24 जो रहने वाले जो थे ना, सब वो सब ज्यादा उधर के घोड़ा जो में गए रहने के लिए, क्योंकि SBUD के अंदर है ना, दोनों को फ्लैट दिए वहाँ पे रहने के लिए। और ये क्या है, उन लोग के SBUD के बोलने बाद भी यहाँ पर पब्लिक जो रहती थी, जो कैटरर्स थे नॉर्मली लोग, उन लोग यहाँ रहते थे, उन लोग बेचारे सब अभी भी लोग अंदर दबे रहे। फैमिली भी है बहुत, लेकिन कितनी फैमिली है हम लोग आइडिया बहुत है, आइडिया कितनी फैमिली हम लोग को नहीं पता। हम लोग तो यहाँ से जा रहे थे सब हेल्प के लिए, जितने अपने यंगस्टर है सब अंदर चले। पूरी ऐसे बैठ, पूरी बैठ गए, 5 फ्लोर की थी, 5 फ्लोर की कांच वाला बिल्डिंग, पूरी के पूरी बैठ गई। तो चश्मदीदों को भी आप सुन रहे हैं, ऐसे भी कई लोग हैं स्थानीय लोग जो यहां पर मदद के लिए डटे हुए हैं राहत और बचाव कर्मियों के साथ। 3 कैमरों से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इमारत 5 मंजिला दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार का जेजे मार्ग, जहां पर आज सुबह 8:30 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है, बिल्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कई लोग अब भी मलबे के भीतर दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं 5 मंजिल का ये मलबा गिरा है, तो जाहिर सी बात है इसे हटाने में वक्त लग रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कैमरा नंबर 2 की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मलबे को हटाया जा रहा है, तो वहां पर एक मलबे में दबा हुआ शख्स भी देखा जा सकता है, और ये किसी चुनौती से कम नहीं है। एक ऐसे वक्त में गनीमत की बात यह है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से यहां पर राहत और बचाव कर्मी मौजूद हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम आई हुई है यहां पर, जो लगातार जिनको आप पीली कैप्स में देख सकते हैं, पीली हैट जो पहन रखी है उन्होंने, और उसके साथ लगातार वो लगे हुए हैं राहत और बचाव के काम में। लेकिन बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, उसी इलाके में रहने वाले लोग, वो भी वहां मौजूद हैं और जितना हो सकता है अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। बिल्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा जो मुंबई में हुआ है, लाइव अपडेट लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हम दे रहे हैं। 25 से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 5 मंजिला ये बिल्डिंग बताई जा रही है, 10 से 11 परिवार कहा जा रहा है इसमें रहते थे। दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार में सुबह करीब 8:30 बजे ये बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग गिरने की वजह का पता नहीं चल पाया है, पुरानी बिल्डिंग ये बताई जा रही है। लेकिन हमारे संवाददाता ने बताया कि BMC ने इस बिल्डिंग को जर्जर होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था। 2 से 3 दिन से लगातार मुंबई में बारिश भी हो रही है, और ऐसे में बिल्डिंग गिरने से ये बड़ा हादसा जो हुआ है, एक शख्स की मौत, 7 लोगों को बचाया गया है, लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।